हेलो जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि आप सबकी जो फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के लिए कुछ नोटिस आए और कुछ न्यूज़पेपर में उन्होंने निकाला कि आपका फिजिकल जल्दी होगा। मैंने भी कई वीडियो में कहा जल्दी होगा, तो उससे कुछ भाई बहन इतने परेशान हो गए, वो पूछ रहे हैं कि भैया कितना जल्दी होगा, हमें कितना समय मिल जाएगा। उन्हें कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि बस अब होने ही वाला है, पता नहीं किस दिन कब डेट आ जाए फिजिकल की, तो उससे वो परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, आज से एसएससी जीडी के फिजिकल चालू हो गए, तो उससे आपको एक सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए उसके बारे में अभी मैं आपको बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पुलिस के लिए। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यूपी पुलिस के लिए अभी आपको पता है कि आपकी जो आपत्ति वो दर्ज हो गई है, और अब तक मेरा मानना है कि अब तक जितना भी जिस तरीके से भर्ती बोर्ड को जो प्रश्न गलत मानने थे या उनको जो हटाने होंगे, अब तक उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा, ठीक है? क्योंकि वन डे से ही जो चीज़ें गलत होती हैं वो जाना शुरू हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, आपकी फाइनल की आंसर जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद आपकी फिजिकल के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और फिजिकल के लिए आपके लिए जानकारी तब तक नहीं आएगी जब तक फिजिकल की पूरी तैयारी नहीं हो जाएगी, फिजिकल की पूरी तैयारी नहीं हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनकी पूरी तैयारी अभी नहीं हुई है, लेकिन पूरी तैयारी के लिए उन्होंने जो अपने प्रयास हैं वो अभी से चालू कर दिए, यानी कि जो काम है उनका। जैसे आपने कुछ नोटिस देखे होंगे, आगरा का नोटिस, कहीं कुछ और के नोटिस देखे होंगे, एक आजमगढ़ का नोटिस आया भी एक दो दिन पहले ही मैंने देखा, आप स्क्रीन पर भी शायद मैं लगा दूंगा, उसको देख लेना। तो ये सारी चीज़ें भर्ती बोर्ड की ओर से बिल्कुल प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। अब इसका मतलब ये है कि जल्दी होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी कुछ दिन में ही हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कितना समय मिल जाएगा, तो देखो अभी आपको इतना समय बिल्कुल मानकर चलिए, इतना समय मिल जाएगा कि आप अपनी जो फिजिकल की जो तैयारी है वो अपनी पूरी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, पूरी अपनी फिजिकल की तैयारी कर लेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हम सोच रहे थे कि दिसंबर में जाकर के चीज़ें होंगी या नवंबर उसमें जनवरी में होंगी, तो वो इतना अगर जल्दी हुआ तो जल्दी से जल्दी आपसे मैं इतना कह सकता हूँ कि चीज़ें नवंबर तक, कब तक? नवंबर तक आपकी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उससे पहले आप ये परेशान मत होना कि भैया हमारा फिजिकल अभी इस महीने के लास्ट में या हमारा फिजिकल अभी तुरंत अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, इतना जल्दी नहीं होगा। जल्दी का मतलब ये है कि पहले सभी ये अनुमान लगा रहे थे कि दिसंबर में जाकर के आपका रिजल्ट आएगा या जनवरी में आएगा इस तरीके से, तो वो और जितना जल्दी ये बता रहे हैं ना, भर्ती बोर्ड जल्दी कर रहा, आप सभी को पता न्यूज़पेपर में भी कई सारी जगह आई है, तो उस हिसाब से जल्दी और जल्दी हुआ तो वो नवंबर में हो जाएगा। उससे पहले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना कह रहा हूँ मैं कि जब भी कभी भी हो आपका फिजिकल, उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप तैयारी अपनी पूरी 100% कर लीजिए। जब हम अपनी पूरी तैयारी 100% कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिजिकल हो, तो हम बिल्कुल एकदम अपने मन से बिल्कुल एकदम फ्री हो जाते हैं कि चाहे आज हो जाए या 10 दिन बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रही इसकी बात यू पुलिस के फिजिकल के लिए। बाकी कुछ न्यूज़पेपर हैं वो एकदम बिल्कुल फर्जी खबर फैला रहे हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। कुछ तो ऐसे कह रहे हैं बिल्कुल एकदम सितंबर के अभी 2-4 दिन में ही, कुछ ऐसे कह रहे हैं 24 तक, 25 तक या 26 तक रिजल्ट आ जाए, कुछ उन्होंने डेट फिक्स कर दी, वो सब फर्जी है, उन पर ध्यान मत दीजिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एसएससी जीडी से आपको क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं और न्यू वैकेंसी आप सभी को पता है कि न्यू वैकेंसी के अभी अभी आई है, लगभग 39,000 प्लस वैकेंसी उसमें आई है। इसका जो एग्जाम है जनवरी फरवरी में होगा, तो भैया आपका यू पुलिस में कितना भी स्कोर हुआ हो, कम हुआ हो, ज़्यादा हुआ हो, जब तक एग्जाम देना बंद नहीं करना, जब तक हमारे पास एक जॉब नहीं आया, तो आपको एसएससी जीडी के लिए नई वैकेंसी के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। आप उसके लिए पढ़ सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस बुक से, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के लिए तैयार की गई, नए पैटर्न के हिसाब से। इसमें 4 कॉम्बो बुक हैं, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की और जीके जीएस की, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन इसमें दिया है। इसके साथ साथ आपको इसमें पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट की इनकी बुक आती हैं, ठीक है? इन सभी को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, ठीक है? बहुत अच्छी बुक है, इनको ले लेना, चारों सब्जेक्ट की हैं। अब मैं बताऊँ एसएससी जीडी फिजिकल से आपको क्या सीख लेनी। आज फिजिकल हुआ है, लगभग जो एक एवरेज है कि 100 के आसपास, ठीक है, 100 के आसपास, कहीं कहीं प्लस माइनस भी हो सकता है, इतने का बैच बना है सेंटरों पर जहाँ भी एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ है। और उनमें से कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि लगभग 55 से 60 या कह सकते हैं आप 70, इतने का ही बैच बना है, क्योंकि जैसे उन्होंने 100 बच्चे बुलाए अपने उस पर सेंटर पर एक बैच के लिए, तो उसमें लगभग 30 जो है अनुपस्थित रह रहे। तो इस तरीके से एक एक बैच जो है 55 का, 60 का, 70 का, इस तरीके से उन्होंने बैच बनाया है। और कुछ ऐसे हैं उनमें से कि जिनको टाइम मिला लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की, उन्होंने तैयारी नहीं की कि जब हमारी डेट आ जाएगी या रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे।
और उसके बाद भी फिर भी इन्होंने पता ना किस तरीके से तैयारी की, यानी कि समय मिलने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम तो आखिरी समय में तैयारी करेंगे, कब करेंगे, आखिरी समय में, और पता है वो रेस स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको आखिरी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कट ऑफ के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनेंगे, आप जिस भी कट ऑफ पर विश्वास करते हैं अगर आप उसके मतलब उस कट ऑफ के अंदर आप आ रहे हैं तो आप अपनी अभी फिजिकल की तैयारी करिए। आप भी बहुत सारी वीडियो देखेंगे एसएससी जीडी के लिए, उसमें आप देख लेना किस तरीके से लड़के फेल हो रहे हैं किस तरीके से। अच्छा, जो अपनी पूरी तैयारी करता है वो कभी फेल नहीं होता, वो एक अलग बात है कि किस्मत वाली बात समझ लो या कुछ भी समझ लो, जैसे किसी को कहीं अचानक से दर्द हो गया या किसी के पैर में दिक्कत हो गई। और आपको एक बात बता दूं, ये जो रनिंग चल रही है ना एसएससी जीडी की, कुछ कमेंट में पूछ रहे थे भैया क्योंकि एसएससी जीडी की तरह ही हमारी रनिंग होगी क्या, तो जो एसएससी जीडी की जो रनिंग चल रही है ये सड़क पर चल रही है, ठीक है, सड़क पर। लेकिन जो यूपी पुलिस की जो रनिंग होती है वो आपकी होती है ग्राउंड में, ठीक है, कहाँ होगी वो आपकी होगी ग्राउंड में, यानी कि ग्राउंड में होगी। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से रनिंग होती है आपकी, चिप लगा करके रनिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, आपको कोई भी डाउट हो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना, फॉलो करने के बाद आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है, अपना एक व्हाट्सअप चैनल है उससे भी जुड़ जाना, उसकी भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कमेंट करके जरूर बताना कि फिजिकल की तैयारी जो किस किस भाई ने या बहन ने चालू कर दी है, और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा, बस अपनी फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, आपको इतना समय फिर भी मिल जाएगा कि आप अपनी अच्छे तरीके से तब तक रनिंग पूरी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।